नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल एमपीपीएससी चैनल पर, जहां हम आप लोगों को 75 पूरे सब्जेक्टिव टॉपिक्स को 100 क्लास में करवाने वाले, मतलब 10 यूनिट 100 क्लास में हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से होगी, डिटेल में होगी। दो क्लासेस में ले चुका हूं, फ्राइडे और सैटरडे आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूं 3 बजे। तो जो लोग जुड़ चुके हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। अजय, शिवानी, राजेश, मिशन पीएससी, अमृता, शिवांगी, रक्षा, दीपशिखा, ज्योति, दीपेंद्र, दिव्या, शिवानी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूनम, चलिए बहुत शानदार, चलिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत दमदार है आज। मध्य प्रदेश के कला और हम स्थापत्य को देखेंगे और बहुत अच्छे से, कला मतलब इसमें आर्ट एंड कल्चर सारा के सारा इसमें कवर अप हो जाएगा। बहुत एक क्लास और बाकी बहुत कुछ आपको इसमें समझ में आ ही जाएगा। यहां से टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ हमारी उठा सकते हो, नोटिफिकेशन आपको यहां मिल जाएंगे। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भर्तरी किस क्षेत्र का गायन है? देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत अप होने वाला है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अप होने वाला है और बहुत सारी जानकारी, मतलब आपको यहां देव सर स्पेशल चलेगा भैया आज तो, और अच्छा तगड़ा चलेगा। तो जल्दी बताइए भर्तरी क्षेत्र का गायन है निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड, कहां पर आपने सुना है भर्तरी? क्या आंसर आएगा? पहला ही बहुत दमदार है, मालवा। मालवा, अब देखिए जरा, ये नाथ समुदाय के द्वारा, ठीक है, गाया जाता है। पहले तो ये है कि नाथ समुदाय गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा समुदाय? ना, ठीक है, चिंकारा के द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र से धनुष बनाकर उसकी आवाज पर, ठीक है। तो नाथ समुदाय, नाथ मतलब जो शिवजी को मानने वाले, जो किसको मानते हैं, शिवजी को मानने वालों को नाथ कहा जाता है, नाथ समुदाय। चिंकारा के बालों से धनुष बनाकर उससे, आपने जैसे एक तारा देखा है ना, कुछ इस तरह से एक तारा होता है, उसके बाल से निर्मित और उसके ऊपर बजाया जाता है। तो चिंकारा से बनने वाले वाद्य यंत्र से, जो वाद्य यंत्र इसको आ जाता है चिंकारा से बनता है। तो आपका याद है मालवा में भर्थरी गायन किया जाता है चिंकारा के बाल से। तो चिंकारा के बाल के द्वारा जो निर्मित होता है उसका धनुष बनाकर उससे यंत्र को बजाया जाता है। आपको भर्थरी गायन कहाँ है? मालवा, आपको याद रखना है। भर्थरी गायन कहाँ मिलेगा आपको? मालवा में मिलेगा। अगला देखते हैं, मांडलिया लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मांडलिया मालवा में, निमाड़ में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में? जल्दी बताइए। ये जो नृत्य है ये ढोल पर किया जाता है, ठीक है। ढोल पुरुष बजाएंगे और नृत्य कौन करेगी महिलाएं करेंगी। जल्दी बताइए कहाँ है? मांडलिया कहाँ आएगा? यस, ये कहाँ आएगा? निमाड़ में। मालवा नहीं आएगा बेटा, निमाड़ में आएगा। यह बिल्कुल प्री में फंसेंगे, ढेर सारे फंसने वाले हैं। तो आईएमपी है, आप खुद देख लीजिए, 30 क्लास 30 क्वेश्चन, 100 क्लास, 3000 क्वेश्चन में से कितने ज्यादा फंसेंगे। तो जब पेपर होगा 21 मई को आप और हम रूबरू होंगे और यही प्रश्नों के स्क्रीनशॉट आप ही भेजोगे, सर ये पढ़ाया था। तो याद है मांडलिया लोक नृत्य कहा? निमाड़ में किया जाता है, ढोल पर किया जाता है, ढोल पुरुष बजाते हैं और नृत्य कौन करेगी? महिलाएं करेंगी। निमाड़, मालवा नहीं, निमाड़, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए छिपा शिल्प किस जिले में प्रसिद्ध है? छिपा
शिपा शिल्प किस जिले में, लेवल बहुत अच्छा रखूंगा, जिनको कुछ भी नहीं मालूम बस डिटेल्स को नोट डाउन करते चलिए कॉपी पेन में, अच्छा खासा एमपी का रिवीजन हो जाएगा आज की आज 30 क्वेश्चन में, ये प्रॉमिस है कि अगला एक घंटा आपको लास्ट में लगेगा कि बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। इंदौर, सागर, उज्जैन या भोपाल, छिपा जल्दी बताइए कहां पर है भैया, ये कहां पर है छिपा जल्दी बताइए, बिल्कुल उज्जैन, ठीक है। कपड़ों पर लकड़ी के छापे से छापा बनाना, छापे से छापा बनाना मतलब डिजाइन बनाना, क्या बनाना, डिजाइन, एक आकृति होती थी उससे बनाते थे। इसके अलावा आपको उज्जैन के अलावा ये बाघ में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बाघ में, ठीक है, धार में, बाघ में, धार में आपको ये और ज्यादा। तो आपको अगर पूछा जाए कि छिपा शिल्प कहाँ का फेमस है, मुख्य तौर पर उज्जैन में, इसके अलावा बाघ और धार में भी इस तरह का आपको छिपा। तो कपड़ों पर लकड़ी के छापे से, लकड़ी के छापे से, जैसे मेहंदी नहीं बनाई होगी आपने मेले वेले में, या फिर आप बड़ी बिजासन छोटी बिजासन जो हमारे इंदौर में मिलती है, हमारे सेंधवा में भी बड़ी छोटी बिजासन है, तो वहां पर आप जाते हो तो लकड़ी के कलर लेके मेहंदी बना देते हैं, तो लकड़ी के छापे से छापा बनाना कपड़ों पर, इसी को क्या कहते हैं, छापा पद्धति या छिपा शिल्प, याद रखेंगे छिपा शिल्प, हाथ से किया जाता है। ये निकल जाएगी, क्यों नहीं निकलेगी, अभी से तैयारी करेंगे तभी तो निकलेगी। एकदम से भैया आप प्यास लगने पर कुआं खोदोगे तो पानी निकलने की गारंटी नहीं होती, मगर हाँ मेहनत करते रहोगे पहले से ही तो गहरा भी होगा कुआं और चौड़ा भी होगा, पर पानी जरूर निकलेगा फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीना नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है, गौड़, भील, कोरकू या सहारिया, जल्दी बताइए कौन सी जनजाति करती है, कौन सी जनजाति करती है, गौण, भील, कोरकू या सहारिया। रीना डांस कौन करता है, राधे राधे भैया, जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत बढ़िया, मयंक, राहुल, निधि, रमाशंकर, प्रिया, शिवांगी, रक्षा, भाई सबका हार्दिक अभिनंदन है, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। गोंड, वेरी गुड, वाकई में बहुत बढ़िया आंसर दिया है, गोंड बिल्कुल सही है, ए आएगा गोंड। कहां करते हैं ढिंडोरी, कहां करते हैं ढिंडोरी जिले में किनके द्वारा किया जाता है रीना नृत्य, महिलाओं के द्वारा किया जाता है भैया, और एक तरह का कॉम्पिटिशन डांस है, कॉम्पिटिशन डांस फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। कैसा है, कॉम्पिटिशन होता है, कंपीट करते हैं, दो ग्रुप बन जाएंगे और एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, जैसे आपने गोविंदा और केदारनाथ कादर खान का जो है देखा होगा जुगलबंदी की, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, तो वो एक दूसरे से संवाद में लड़ते हैं, या फिर आपने देखा कि हम तुम वाला पुराना गाना है, लड़का लड़की आपस में वाद विवाद करते हैं, जैसे कलगी तुर्रा होता है सेम चीज, तो कलगी तुर्रा जैसा ही है, गौण प्रजाति जनजाति करती है, रीना नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कंपटीशन डांस फॉर्म है, दो गुट में बढ़ दिया जाता है और एक गुट विनर होगा, मतलब एक टीम जीत जाती है, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया भैया, जुड़ जाइए, चलिए आज पता चला, बहुत बढ़िया। ढिंडोरी कहाँ है, ढिंडोरी आपको याद रखना है, ढिंडोरी ऐसा जिला है जहां आपको हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम जन घनत्व कहां मिलेगा, ढिंडोरी में सबसे कम जन घनत्व, यहां पर ही जीवाश्म पार्क है, फोसाइल पार्क है, सबसे छोटा नेचर पार्क जो है ढिंडोरी में मिलेगा आपको, ठीक है, कलगी तुर्रा निमाड़ में चलता है। चलिए, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया, उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण, सातवाहन, कुषाण, मौर्य या गुप्तन, किसने करवाया उदयगिरी की गुफाएं जल्दी बताइए लाइक एंड शेयर कर दीजिए भैया, आज पहुंचाना है, बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचाइए, अगर जिन्होंने पढ़ा भी है एमपी उनका रिवीजन हो जाएगा।
और ये आपको पटवारी आबकारी जितनी भी आने वाली एग्जाम है सब में तो काम आने ही है। ये बनाया था गुप्त डायनेस्टी ने, गुप्त डायनेस्टी गुप्त वंश के समय बनी थी, उदयगिरी। अब आपको पूछा जाता है ठीक है, उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में आती है, तो आपको बताना है विदिशा। कहां आती है? विदिशा जिले में। आपको ये याद रखना है कहां आती है, विदिशा जिले में। इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी है? 20 गुफाएं भैया, ये आपको याद रखना, गुफाएं कितनी है 20 है आपको याद रखना है। गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 5 में आपको वराह अवतार की, वराह अवतार जो विष्णु जी का एक अवतार माना जाता है, किसका भैया? विष्णु जी का वराह अवतार की मूर्ति मिलेगी। वराह मतलब शुकर, ठीक है, शुकर मतलब सुवर, उनके अवतार पर पृथ्वी जी को उठाया था उन्होंने, तो आपको यूं करके एक मूर्ति मिलेगी, तो उनके टीथ पर पृथ्वी रखी हुई है, ऐसे याद रखना है। वराह अवतार आपको यहां मिलेगा, बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है। राजा भोज के पोत्र थे उदयादित्य में, राजा जो भोज थे ना हमारे परमार वंश के, राजा भोज जो परमार वंश के राजा थे, उनके पोते का नाम था उदयादित्य। क्या नाम था? उदयादित्य। उदयादित्य के नाम पर रखा गया था उदयगिरी, ये आपको याद रखना है ठीक है। राजा भोज जो परमार वंश, एक एक चीजें धीरे धीरे से नोट करते चलेंगे। परमार वंश के राजा थे राजा भोज के पोते थे उदयादित्य ने उदयगिरी का नाम रखा। उदयगिरी की गुफाएं बनी तो गुप्त काल में थी, मगर नाम पड़ा वो उदयगिरी, इसलिए विदिशा जिले में आती है। विदिशा, विधि का नाम है वेस्ट नगर, आपको याद रखना है ठीक है। वेस्ट नगर, विदिशा का जो नाम है वो वेस्ट नगर, आपको याद रखना है ठीक है। विदिशा को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, विदिशा को कहते हैं नीचे गिरी, है ना, ये आपको याद रखना है, कम लोग जानते हैं वाला नाम नीचे गिरी। नीचे गिरी ये किसने लिखा था? कालिदास जी ने विदिशा का, कालिदास जी ने विदिशा का नाम रखा है नीचे गिरी। तो एक उनके जितने भी कहते ना कि जो रचना है उसमें विदिशा का उल्लेख नीचे गिरी के नाम से। वैश्यनगर तो आप जानते ही है ठीक है, और भेसला भी बोलते हैं, बिल्कुल भेसला भी कहा जाता है, भेलसा। तो तीन नाम है, भेलसा, वेशनगर, नीचे गिरी। तो ये आपको याद रखना है, ये नया नाम आप भी नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ परफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एमपीपीएससी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर लाइक कर दीजिए ज्यादा बेटर है, और दिल से बोल रहा हूं भैया लाइक शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, मस्त लगेगा आपको शेयर करते। गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी जल्दी जुड़ जाया करो, पहली बार सुना कोई बात नहीं ठीक है, बहुत टाइम लाइफ में पहली बार होता है, एंड इट्स गुड टू नो कि आपको पहली बार सुनने को मिला। लोक नाट्य से, लोक नृत्य से, चित्रकारिता से, इनमें से कोई नहीं। ये फेस्को लिपि क्या है भैया? व्हाट डू यू मीन बाय फेस्को लिपि? बोले सर ये सुना नहीं है, सुना तो होगा वैसे। टेम्परेचर डाउन कर दो थोड़ा सा, 22। कर दिया। सी बता रहे चित्रकारिता से, सबसे पहले ज्योति उइके ने, धर्मेंद्र सिंह अलाहाबाद, चलिए बढ़िया, बिल्कुल सही, चित्रकारिता से भाई, गीले चूने से छत या दीवारों पर आकृति बनाना ठीक है। चूना मतलब लाइन, तो जो वेट लाइम होता है उससे दीवारों पर, आज जो आप पीओपी की कलाकारियां देखते हैं ये उस समय भी थी भैया, उस समय भी थी। छत पे या दीवारों पर गीले चूने से डिजाइन्स बनाना, दैट इज नोन एज फ्रेस्को स्क्रिप्ट। ये आपको याद रखना है, ये शब्द यूनानी शब्द है, क्योंकि आपको यूनान में भी बहुत सारे चर्च में ऊपर की ओर छतों पर बहुत सारी डिजाइन मिलेगी, लाइक वर्जिन मेरी एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट है, वर्जिन मेरी आपको ऊपर की तरफ छत में मिलेगा ठीक है, बड़े बड़े चर्चों में। तो उसी तरह की चित्रकारिता है फेस्को या फ्रेस्को लिपि ठीक। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण, लग जाएगी बेटा जल्दी लगेगी, का निर्माण किस शासक ने करवाया? खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो
खजुराहो के मंदिर, भैया खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? चंदेल वंश। 950 से लेकर 1050 एडी के बीच। अब इसमें राजा धंग, राजा यशोवर्मन, राजा विद्याधर, राजा हर्षवर्मन सभी राजा हैं चंदेल वंश के। क्या सी बता रहे? सी बता रहे हैं, धर्मेंद्र भी बता रहे हैं, बहुत सारे सी और बी में कंफ्यूज हैं। विद्याधर बताने वाले गलत और राजा यशोवर्मन बताने वाले एग्जैक्टली सही है भैया। इन्होंने बनवाया था लक्ष्मण मंदिर, आपको याद रखना है। इसके अलावा विष्णु मंदिर जिसको हम चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज मंदिर। ये सब याद रखेंगे, राजा यशोवर्मन याद रखेंगे। इन्होंने एक और मंदिर बनवाया था वामन मंदिर, राजा यशोवर्मन आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। टोटल मंदिर कितने थे? इन मंदिरों की संख्या 85 थी, अब कितने बचे हैं? मुश्किल से 15 से 20 के बीच में कुछ मंदिर आपको बचे हुए मिलेंगे। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, चतुर्भुज मंदिर हो या वामन मंदिर हो, भैया आपको यहीं पर शिव हो जाएगी बेटा, हो जाएगी शिव लोधी हो जाएगा, वेट कर लो हो जाएगा, ठीक है। जीते रहो भैया शिवांश, चलो आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, बढ़ना ही जिंदगी है, ठीक है। चलिए, जो छूट रहा है उसका शोक मनाना फिजूल है, ठीक है, जो मिल रहा है उसका जश्न मनाइए, ठीक, बस यही बोलूंगा। जो छूट रहा है उसका शोक मत मनाइए, जो मिल रहा है उसका जश्न मनाइए, और बाकी की चीजें भी आपको मिलती चली जाएगी। बस जय हिंद बोलिए और जुझारूपन से जुड़ जाइए। मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? मटकी भैया शादी हो और ये नृत्य ना हो, और ये जब बजे और नृत्य ना निकले तो डांस करने वालों का तो डांस इसमें निकल ही जाता है। मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड। लाइक एंड शेयर कर दीजिए भैया। बीस के आसपास बचे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली कितने बचे अब ये तो वहां काउंट करने पर ही होगा, 20 के आसपास मैंने सुना है। चलिए, मालवा क्षेत्र में, बिल्कुल सही, मालवा भैया, ये जो मालवा में किया जाता है मटकी, अब पहले तो यार देखो ये मटकी रख कर किया जाता था, है ना, पहले तो ऐसा होता था कि ऐसे 7 मटकियां रखी जाती थी, कितनी? 7 मटकियां। मगर अब मटकी तो हमारे वहां मालवा में ये मारवाड़ी नृत्य से, मतलब राजस्थानी नृत्य से प्रेरित था। राजस्थान में 7 मटकी नृत्य होता है, मटकियां सर पे रख के और नाचा जाता, मगर हमने यहाँ इंदौरी है ना, हम तो मालवा में इंदौरी है, हमने मटकी हटा दी और इसको आड़ा खड़ा डांस भी बोलते हैं, मैं तो आड़ा तिरछा ही बोलूंगा भैया। झुक कर नाचा जाता है मटकी, और गर्ल्स तो इसमें बहुत महारत हासिल करके बैठी हैं, बॉयज भी अच्छा नाच लेते हैं, पर मटकी वन ऑफ द फेमस डांस फॉर्म इन मालवा, ठीक है। जब भी शादी होती है भैया मटकी लगा दो, और मटकी में मटक मटक कर नाचा जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य चंपू काव्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है? लोक गायन चंपू काव्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जल्दी बताइए। अब मटकी वटकी नहीं रखते, अब तो सिर्फ मटकते हैं, मटकी खत्म, मटकन रह गया है उसमें, मटकी गया, लेट कर, लोट पोट कर भैया। अभी तो आप देखिए हमारे वहां बारात में जो डांस होता है, खुजली डांस करते हैं, खुजली कर करके डांस करते हैं, पता नहीं क्या कैसा डांस पर करते हैं भयंकर, ठीक है। चलिए, अब इसमें बता दूं चंपू क्या है। चंपू शैली का मतलब है गद्य और पद्य का मिलन। गद्य बेटा ये होगा कहानी का भाग, और पद्य मतलब बेटा कविता या काव्य का भाग होता है गद्य प्लस पद्य। चंपू शैली की शुरुआत उज्जैन से हुई थी, उज्जैन, और ये मिलेगा आपको बरसाती वार्ता, ये उज्जैन में ही मनाया जाता है बरसात के दिनों में, आपको याद रखना मालवा, ये जानकारी आप ले लीजिए।
लाइक और शेयर कर दो रे, मजा लूट रहे हो लेक्चर का, तो लाइक तो बनता है ना, लाइक और शेयर करो ना। अरे 22 करो ना। चलिए बताइए, ठीक है। चलिए निर्गुणिया नहीं है बेटा, नागिन यहां आएगा बरसाती वार्ता, निर्गुणिया नहीं है, निर्गुणिया थोड़ी है चंपू, आपको इसमें निर्गुणिया अलग है, ठीक है। चलिए लाइक एंड शेयर करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा गीत, दसवां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गीत आत्मा की अमरता से संबंधित है। आत्मा की अमरता मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। संत सिंगा जी के गीत, मसाणिया गीत, रेलो गीत या आला गीत, जल्दी बताइए। आप लोगों से उम्मीद है कि जल्दी जल्दी अच्छे से आंसर देंगे। चलो जो भी करता है डांस देख लेंगे बाद में, पर फिलहाल अभी यहां फोकस करिए, वापिस आ जाइए, लाइक और शेयर करिए, जुड़ जाइए हमसे फटाफट। बताइए भैया क्या आंसर आना चाहिए। टेंथ का बी बता रहे हैं और बी बताने वाले बिल्कुल सही। देखिए मसाणिया, मसाणिया, मसाणिया शब्द का मतलब है मसान, मसान, मसान मतलब मालूम ना आपको, डेथ, डेथ, ठीक है। तो किस मरने पर, किसी की मृत्यु पर, ठीक है, मृत्यु पर या उसके उपरांत गाए जाते हैं, मृत्यु के उपरांत या मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, आत्मा, आत्मा को कहा जाता है दुल्हन, आत्मा को क्या कहते हैं दुल्हन, और शरीर को क्या कहते हैं दुल्हा, शरीर को क्या कहते हैं दुल्हा। तो दुल्हा दुल्हन का मिलन बताते हैं भैया। आपने कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसा कहते हैं कि उसको क्या प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। क्या मिल गया भैया उसको, मोक्ष मिल गया। तो आत्मा को बता दिया दुल्हन और शरीर को बताया दुल्हा, ठीक है। तो मरने के उपरांत गाए जाने वाले गीतों को मसाणिया कहते हैं, आपको याद रखना है मसाणिया, ठीक है, मसाणिया गीत, बहुत आईएमपी है बिल्कुल। और ये कहां गाया जाता है, ये निमाड़ अंचल, निमाड़ अंचल में गाया जाता है। कहां गाया जाता है, निमाड़ अंचल में गाया जाता है। खोद के नहीं, मैं एकदम गड्ढा करके लाया हूं, है ना, तो एकदम ही कुरेत कुरेत के आपके निकाले हैं हमने क्वेश्चन, ऐसा लगेगा कि फर्स्ट टाइम एमपी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि फर्स्ट टाइम आपको, तो फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया वाला फीलिंग आ रही है भाई, तो आपको ये क्लास से लव होना मांगता है और आपको ये क्लास रोज देखना है, ठीक है। अगर आप भैया, मैंने तो टारगेट सेट करा है कि अगर यहाँ लाइव 250 से 300 आ गए, मैंने ही टारगेट सेट करा है विनर्स इंस्टीट्यूट में, मैंने ही सर से बोला कि सर 250 से 300 लाइव आ गए मैं 6 दिन पूरी लूंगा। तो अगर यहां पर आप 101 चल रहे हैं, यहां 250 से 300 टच कर दोगे, प्रॉमिस है मेरा, मैं आपको 6 दिन अवेलेबल मिलूंगा। सिर्फ शुक्रवार शनिवार नहीं आऊंगा, यहाँ 250 से 300 लाई है, मैं हर दिन मिल जाऊंगा, ठीक है। चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, चटकोरा, बोले सर हम तो खाने में नाम सुना है चटकोरा, ये कहां से ले आया, चटकोरा जल्दी बताइए, चटकोरा, भील, कोरकू, बंजारा, भारिया, कौन कर जाता है चटकोरा। बिल्कुल बिल्कुल, चटकोरा कौन करते, कोरकू, कौन सी जनजाति करती है, कोरकू जनजाति। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोरकू जनजाति पाई कहां जाती है, ये मिलेगी भैया आपको छिंदवाड़ा में, कहां मिलेगी, छिंदवाड़ा में, होशंगाबाद में, होशंगाबाद में भी ये जनजाति ज्यादा मिलती है, आपको याद रखना है चटकोरकू। बंजारा, बंजारा, बंजारा जो है, बंजारा ये वाले जो है ये करते हैं लहंगी, लहंगी डांस, क्या करते हैं, लहंगी नृत्य। तो जो बंजारा जनजाति है ये करती है लहंगी। भील, अब भील जो करते हैं वो करते हैं भगोरिया, भगोरिया या गोल गदेड़ो, गदेड़ो, गोल गदेड़ो, भगोरिया पर्व में गोल गदेड़ो,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो भारिया जनजाति है, भारिया ये करते हैं भड़म, क्या करते हैं भड़म नृत्य करते हैं, तो सारे नृत्य लिख दिए। भील जनजाति भगोरिया गोल गदेड़ो, ठीक है। कोरकू जनजाति जो करती है वो मैंने आपको बता दिया, चटकोरा। कोरकू क्या करती है, चटकोरा। क्या करती है भैया, चटकोरा। बंजारा लहंगी नृत्य करती है, और भारिया भड़म, ठीक है, क्या करते हैं भड़म, ठीक है। भ से भील, भ से भारिया, भ से भड़म, ठीक है। तो जैसे ताल से ताल मिला, यहां भ से भ मिला लो भैया, भगोरिया भील, भारिया भड़म। चलिए, किस गायन में महाभारत की कथाओं का वर्णन है, गोल भोला गीत, बेराइटा, देवारी या जगदेव का पुवारा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, बहुत आईएमपी है ये सारे के सारे, मालूम है ये, ठीक है, बुंदेलखंड में मिलेंगे आपको। कहां मिलेंगे, बुंदेलखंड गायन है ये सारे के सारे, ये सब क्या है, बुंदेलखंड गायन है। जल्दी बताओ कहां कहां मिलेंगे महाभारत की कथाओं का वर्णन, भोला, बेराइटा, देवारी, जगदेव का पूरा। हाँ बिल्कुल सही, क्या बात है, नहीं तो बेटा आपको एक बताओ, लहंगी नृत्य बंजारा, और अगर आप सहरिया बोल रहे हो तो सहरिया भी कहां मिलेगा, मुरैना के तरफ ना, ग्वालियर के तरफ ना, गलत थोड़ी बता रहा हूं, ग्वालियर या मुरैना में सहरिया मिलते हैं। और ये किससे टच है, ये एरिया किससे टच है, राजस्थान। राजस्थान में कौन होते, बंजारे। तो लहंगी नृत्य बंजारा भी करता है, लहंगी नृत्य सहरिया भी करता है, समझ गए। कोई भी किसी भी मन में कोई भी डाउट आप रखना मत, है ना। तो ये आपको क्लियर कर देता हूं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये आएगा भैया बेराइटा, क्या आएगा, बेराइटा, याद आएगा, बेराइटा गायन आपको याद रखना है, महाभारत और रामायण पर बेस्ड है बेराइटा, बुंदेलखंड में किया जाता है सारे, भोला गीत भगवान शिव जी के ऊपर है, बेराइटा, देवारी, जगदेव का पुरावा, सब महाभारत, मतलब सब की सब बुंदेलखंड गीत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काठी क्या है, काठी, What do you mean by काठी, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक चित्रकला, लोक नाट्य, फोक डांस, फोक सिंगिंग, फोक पेंटिंग, फोक ड्रामा, What do you mean by काठी, ठीक है। तो नाउ यू कैन नो कि भैया जो लहंगी है वो बंजारा, कंजर और सहारिया तीनों करते हैं। बंजारा से ही अलग हुई थी कंजर जाति, कंजरों ने क्या करा कि लूटपाट मचाना ज्यादा कर दिया, तो बंजारों ने उनको अलग कर दिया। बंजारा और कंजर एक ही हुआ करते थे, सहारिया इन्हीं का ही भाग है जो शहर में रहते थे, शहर मतलब पंक्तिबद्ध, कंगी का आविष्कार, कौम का आविष्कार करने वाली जनजाति बंजारा, ठीक है। कौम पर नाम लिखकर एक हांडी में डाल दिया जाता है, और जिस लड़की ने जो कौम निकाला उस कौम पे जो नाम लिखा है उसको उसी से शादी करनी पड़ती थी, कुछ इस तरह से विवाह पद्धति होती है भैया। चलिए काठी देख लेते हैं, क्या है काठी, व्हाट डू मीन बाय काठी। अब देखो ये क्या है, ये लोक नृत्य, ये लोक नृत्य ये कहां होता है, निमाड़ का लोक नृत्य है, क्या है भैया ये निमाड़ का लोक नृत्य। तो निमाड़ी मेरे लोग बोल रहे होंगे, बोले सर हमने खुद ने नहीं करा, मैं खुद भी निमाड़ का हूं, निमाड़ मतलब अपना पश्चिम निमाड़, पूर्वी निमाड़, ठीक है। ये किस पे किया जाता है, ये किया जाता है ढाक पर किया जाता है, किया जाता है ढाक। ढाक क्या, एक वाद्य यंत्र है ढाक, ढाक पर किया जाता है, आपको याद रखना है। और कब, ग्यारस के दिन करते हैं, ग्यारस बोले तो देव उठनी ग्यारस, जिस दिन भगवान जगते ना उस दिन। तो आपको याद रखना लोक नृत्य निमाड़ का काठी, ठीक है, काठी भैया, वाय काठी मतलब काठ पर, काठ बोले तो भैया लकड़ी, ठीक है, काठ बोले तो लकड़ी के मंच पर, ये सारी चीजें आपको समझ आए, काठ मतलब लकड़ी। ठीक है, याद है, क्लियर। चलिए लाइक एंड शेयर करते, चलिए आगे बढ़ाइए। चलिए आशा देवी का मंदिर कहां मिलेगा, आशा देवी का मंदिर आपको
कहाँ मिलेगा? चंदेरी के किले में, असीरगढ़ के किले में, धार जिले में या मंदसौर के किले में? जल्दी बताइए। ठीक है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा थोड़ा, ऐसे भी याद रखे ना यार तुम लोग, है ना? बाकी तुमको सब तो याद है। आशा देवी मंदिर, चलिए बताइए। असीरगढ़, असीरगढ़ आशा देवी मंदिर कहाँ है? असीरगढ़, आशा असीर, ठीक है, आशा असीर याद है ना, आशा असीर राजा, आप ये भी याद रखेंगे, आशा असीर राजा आशा देवी के नाम पर है भैया। असीरगढ़ का किला जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्षिण का, यहीं पर आपको मिलेगा भैया खूनी भंडारा। क्या मिलेगा आपको? खूनी भंडारा। यहीं पर आपको अश्वत्थामा, ये जो दंत कथा किंवदंती महाभारत वाले उनके वजूद की या उनकी कहानी भी यही मिलेगी, अश्वत्थामा वाली, ठीक है। आशा अशीर ने बनवाया था, अकबर ने इसको जीत लिया था, वहां से दक्षिण के लिए कूच करी थी, इसलिए इसको कहा जाता है असीरगढ़। असीरगढ़ वॉज द कैपिटल, ये कैपिटल थी असीरगढ़ ऑफ, किसकी कैपिटल थी जल्दी बताइए? किसकी? खान देश की। किसकी थी? खान देश की। तो खान देश की कैपिटल थी असीरगढ़, ठीक है। ये आज किस जगह पर आता है? आज आता है बुरहानपुर में। कहाँ आता है ये? बुरहानपुर। बुरहानपुर क्यों फेमस है भैया? आपको मालूम है गांजा, इसके लिए फेमस है, गांजे के लिए, गंजेड़ियों के लिए गांजा, ठीक है, अफीम के लिए मंसूर नीमच, ये सब याद रखना है। खूनी भंडारा, ठीक है, बुरहानपुर, काला ताजमहल, बहुत सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएगी। रामलीला लोक नाट्य किसकी कथाओं की प्रस्तुति है? सॉरी, रासलीला, सॉरी रासलीला। रासलीला किससे जुड़ा है? भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से, भगवान शिव जी से या भगवान विष्णु जी से? तो किस देवता को समर्पित है रासलीला? गंजड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर, मुमताज का मकबरा, काला ताजमहल, बिल्कुल वेरी गुड, सारी चीजें यही हैं। मुमताज मरी थी मरने से पहले, लिए थे वादे शाहजहां से कि देखो मैं मर रही हूं तुम्हारे 14वें बच्चे को जन्म देते समय, मेरे मरने से पहले मुझसे कुछ वादे तो कर लो, मेरे मरने के बाद किसी अन्य स्त्री से शादी मत करना, मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर जितनी दौलत है वो गरीबों में बंटवा देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरी और आपकी प्रेम की कोई निशानी बना देना भैया। तो क्या करा भैया शाहजहां जी ने? क्या करा? इनके लिए ताजमहल बनवा दिया। ताजमहल पहले बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे बनने वाला था, मजदूरों की कमी के कारण प्लान शिफ्ट हो गया, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे दौलत जो है गरीबों में बंटवा दी, मगर एक वादा तोड़ दिया, ठीक है, कि उन्होंने अगली शादी कर ली थी, उनसे वादा तो वाला तोड़ दिया था। लॉर्ड कृष्णा क्या जाएगा? लॉर्ड कृष्णा, ये आपको याद रखना है, ठीक। भगवान राम का है रामलीला, क्या आएगा? भगवान राम का रामलीला। और शिवजी का है तांडव, ठीक है, और इनको नटराज भी कहा जाता है। शिवजी का नाट्य फॉर्म वाला जो रूप है वो नटराज, विष्णु जी का तो कहीं मैंने सुना नहीं, ठीक है, तो ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो भगवान राम का रामलीला और ये है रासलीला, ठीक है, रासलीला, रामलीला, तांडव। कहानी शायद आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो पीएससी, अरे ये चल रहा है पीएससी कोड, चल आई डोंट नो कि खत्म हो गया, पीएससी कोड, ठीक है, कोड लगा लीजिएगा पीएससी 20। अभी भी आप 12,000 में ले सकते हो, अब तो मई दूर नहीं है, अगर 21 मई को टारगेट बना रहे हो तो मेंस आपकी प्री में बहुत काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि कोई मैं परसुएशन कर रहा हूं या आपको उकसा रहा हूं कि नहीं नहीं ले लो, आप खुद एलानिसिस करिए, 50 लोगों से पूछिए क्या मेंस की तैयारी में प्री की तैयारी हो जाती है, तो आपको 100% लोग यही बोलेंगे कि मेंस में प्री हो जाती है। चलिए, किस किले के प्रवेश द्वार पर यह लिखा है न्याय मुकुट का रत्न?
ठीक है, जस्टिस इज द ज्वेल ऑफ क्राउन, जल्दी बताइए जस्टिस इज द ज्वेल ऑफ क्राउन किसके किले के ऊपर लिखा है, बांधोगढ़ के किले पर, नरवरगढ़ के किले पर, दतिया के किले पर या मंदसौर के किले पर, जल्दी बताइए किसने लिखा है फटाफट। उनकी सगी बेटी, हाँ बिल्कुल माही, उनकी छोटी बहन से शादी कर ली थी, सबको स्टोरी तो याद है, देवेंद्र सर ने सुना के मतलब चलो जिनको नहीं मालूम था, दतिया का किला, बिल्कुल सही, दतिया का किला किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला, किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदेला, और जहांगीर के मित्र थे, जहांगीर के मित्र थे, आपको याद है ना, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था जहांगीर के, बांधोगढ़ का किला वागराज है ना, वागराज कहा जाता है या व्याग ऐसे कहते हैं, व्यागराज, व्यागराज ने बनवाया था, एक्चुअली इसको कहा जाता है भाई का किला, इसको भाई का किला भी कहते हैं, एक एक किवेंती है भाई का किला, इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने, हमारे प्रभु राम जी ने, राम जी ने लक्ष्मण जी को बनवा के दिया था, लक्ष्मण जी के लिए बनवाया था, एक किवेंती यह भी है, इसलिए बांधोगढ़ के किले को कहा जाता है भाई का किला, ठीक है, ये भी आपको याद है, भाई का किला भी कहते हैं दतिया वाला, ठीक है, ये आपको याद है। मंदसौर का किला किसने बनवाया, जल्दी मंदसौर का किला किसने बनवाया, फटाफट बताओ मंदसौर का किला किसने बनवाया, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, एवरीथिंग इज राइट अबाउट द इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं, बिल्कुल। मंदसौर का किला किसने बनवाया था, और ये नरवरगढ़ का किला कहां मिलेगा, जल्दी बताइए, मंदसौर किला एमबीटी आएगा या अलाउद्दीन खिलजी, फटाफट बताइए, अलाउद्दीन खिलजी, क्या बात है, ठीक है, वो जो धार का किला है उसमें आते हैं एमबीटी, खरबूजा महल, एमबीटी धार के किले में आते हैं खरबूजा महल में, ठीक है, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड। नरवर, नरवरगढ़ कहां मिलेगा, शिवपुरी, कहां मिलेगा, शिवपुरी, ठीक है, नल दमयंती, ठीक है, नल दमयंती, ठीक है, आज ही बताया, वाह यार, मतलब आज ही आपने इसको बड़े अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत बढ़िया, मोहम्मद बिन तुगलक का एमबीटी, खरबूजा महल बोलते हैं उसको। पगलिया चित्रकला किस शुभ संदेश को रेखांकित, पगलिया चित्रकला शुभ संदेश माना जाता है, किसको इंगित करता है पगलिया चित्रकला, किसको इंगित करता है, जल्दी बताइए मेरे धुरंधरों, जल्दी बताइए किसको इंगित करता है पगलिया चित्रकला, लाइक और शेयर करते चलिए, लाइक और शेयर करते चलिए भैया। राजा नल, वही नल दमयंती, वही कहानी है ना, नल, राजा नल के द्वारा, नल दमयंती की बहुत प्यारी कहानी है, मुझे आज नल दमयंती की कहानी आप ऑफलाइन कमेंट जरूर लिख के बताइएगा, बहुत अच्छी कहानी नल दमयंती, जैसे हमने बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी सुनी थी ना, वैसे नल और दमयंती की भी कहानी थी, अरे क्या बात है क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बच्चे के ऐसे पैर बना के, बच्चे ऐसे में से पैर बनेंगे नहीं अलग, देखो कितने अच्छे बन गए, अंगूठा थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा कंसिडर कर लेना, अरे वाह बढ़िया बढ़िया बन गए, तो ये बच्चे के पैर बनाकर शुभ संकेत के, हमारे घर में भैया लल्ला आया है, तो ऐसे शुभ संकेत फूलों से सजाया जाता है, ऐसे फूलों से, मतलब फूलों से सजाया जाएगा ऐसे कि हमारे घर में लल्ला आया है, लल्ला लल्लाली जो भी आए, लल्ला लाली जो भी आए, तो ऐसे पेड़ बना के श्री के आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, और ये करा कहाँ जाता है, ये करा जाता है निमाड़ में, ये है कहाँ, ये बनाते कहाँ पर है, निमाड़ में, निमाड़ में, कहाँ है, निमाड़ में, ठीक है।
चलिए ठीक है, तुम समझ लो फिर, अभी मैंने भी करा है। चलिए बच्चे के आने पर, लल्ला जी के आने पर, ठीक है। हाँ मेरे घर में भी आया तो हमने, मैंने बोला सही कि मेरे घर में भी करा ऐसा समझ लो। चलिए ठीक है युवराज, चलो भैया पार्टी ले लेना तू शाम को, ठीक है। नोखंडा महल किस जिले में स्थित है? नोखंडा महल इन विच डिस्ट्रिक्ट नोखंडा महल इज सिचुएटेड? गुना, राजगढ़, विदिशा या अशोकनगर? भाई जिन्होंने मेंस पढ़ी है मुझसे वो तो अच्छे से ही देंगे भैया। बस ओ इतनी ड्राइंग बहुत है मेरी, अब इतनी अच्छी ड्राइंग होती तो मैं पढ़ाने की बजाय ड्राइंग ही बनाता रहता ना। जल्दी बताओ नोखंडा महल कहां बता रहे हो भाई? कैसे नोखंडा महल तुम कहां चले गए? अशोकनगर बेटा, नोखंडा महल कहां है? अशोकनगर। नोखंडा महल कहां है? चंदेरी, चंदेरी महल में है। चंदेरी महल का निर्माण अगर बताएं, राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। इसी महल में आपको मिलेगा नोखंडा, क्या मिलता है भैया? नोखंडा महल, खूनी दरवाजा, ये भी आपको कहां मिलेगा? यही मिलेगा, नोखंडा। खिलजी मस्जिद, ये सब कहां मिलेगी आपको? यही मिलेगी चंदेरी के महल में, राजा कीर्तिपाल, चंदेरी, ठीक है। वो स्त्री का लाना वाली स्त्री धरी थी, जब बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, तो इतना खून बहा था कि उसे उस दरवाजे को खूनी दरवाजा का नाम मिला था, ठीक है, ब्लडी गेट। चंदेरी वेल नोन, चंदेरी बहुत ज्यादा फेमस है भैया अपनी साड़ियों के लिए, साड़ी, ठीक है। तो साड़ी में साड़ी पराग साड़ी, वैसे साड़ी में साड़ी चंदेरी साड़ी याद रख लेना। साड़ी के लिए महेश्वर भी बड़ा फेमस है भैया, साड़ी के लिए कांचीवरम बहुत फेमस है, कांचीवरम की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, महेश्वरी साड़ी, ये सब याद रख लेना। साड़ी हो रहा है बिल्कुल एकदम। लो अगला आ ही गया, खूनी दरवाजा किस किले में? लो इतनी डिटेल देने के बाद अगला क्वेश्चन उसी पर है, तो अब तो तपाक से आंसर होगा। जल्दी बताइए, हाँ खूनी दरवाजा, चंदेरी, खूनी भंडारा, बुरहानपुर, सब आपको याद हो गया अब। तुम लाइक एंड शेयर करें, चंदेरी पहला जीआई टैग और ऐसे फिर वो दार्जिलिंग टी है। सी चंदेरी का किला अभी बताया, सी यू कैन सी आंसर इज सी, वेरी नाइस। चलिए अगला देख सकते हैं, तात्या टोपे का स्मारक कहाँ है? ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना या शिवपुर? तात्या टोपे, हमें तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहाँ दम था, कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। भाई सीधी सी बात है, तात्या टोपे के ऊपर ये कहानी बिल्कुल समझ में आ रही है। तात्या टोपे को धोखा किसने दिया था? इनके ही परम मित्र ने धोखा दिया, और उस धोखेबाज का नाम क्या था? राजा मानसिंह ने धोखा दिया था भैया, और इनको शिवपुरी में फांसी हो गई थी। क्या हो गई थी भैया? फांसी लगी थी। कब लगी थी? 18 अप्रैल 1859। ये डेट याद रखना दोस्तों, ठीक है। मेरे ऑफलाइन के बच्चों, मैंने आपको बोला था, मैंने समझाया था कि ये डेट पूछने की, मैंने आपको जब पढ़ाया था याद रखो कि रानी जो झांसी की रानी है 1858 में शांत हुई थी, और ये शांत हुए थे 1859 में 18 अप्रैल। एमपी की पहली पर्यटन नगरी है शिवपुरी, वेरी गुड, बाकी आप सब सारे समझदार ही हो। ये पहली पर्यटन नगरी है आपको मालूम है, शिवपुरी में ही आपको मिलेगा। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में ही मिलेगा आपको। सांख्य राजे झील ये कहां मिलेगी? सांख्य राजे झील यही मिलेगी, ठीक है। माधव नेशनल पार्क भी आपको यही मिलेगा। जॉर्ज कैसल
जॉर्ज कैसा मतलब जॉर्ज भवन भी आपको यही मिलेगा शिवपुरी में। पीएससी ऑफलाइन फीस है बेटा वन टाइम देने पे शायद 60,000 ठीक है, एंड लमसम वन टाइम देने पे एंड आप इंस्टॉलमेंट देंगे 75,000 फॉर प्री एंड मेंस बोथ ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्लियर। अब मुझे बता दो तात्य टोपे का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या था? तात्या, तात्या तो उनको बचपन में कहा जाता था, तोप खाने में नाम काम करते थे इसलिए नाम हो गया तात्या। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था ठीक है। इन्होंने नारा दिया था पढ़ो और फिर लड़ो, पहले पढ़ाई करो पे, पढ़ो और फिर लड़ो, तो पढ़ो और फिर लड़ो क्या कहा जाता है? रामचंद्र पांडुरंग, आपको याद रखना है ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर जो कि विदिशा जिले में स्थित है, उसका निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया? चंदेल परमार गुप्त थोमर। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा, व्हाट इज द राइट आंसर अबाउट इट, जल्दी बताएं किसने? नीलकंठेश्वर मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, नीलकंठेश्वर विदिशा जिले में मिलता है, रामचंद्र पांडुरंग। जल्दी बताइए, सीएसएम आएंगे शिवराज में, शिवपुरी में शिवराज। चलिए जल्दी लाइक एंड शेयर करते चलिए, लाइक एंड शेयर। 250 पहुंचाना है, 250 पहुंचा दिया मैं 6 दिन आ जाऊंगा, प्रॉमिस। 250 इधर क्रॉस करो और मैं आ गया आपके लिए 6 दिन अवेलेबल। परमार डायनेस्टी, क्या आंसर आएगा? परमार। तो भैया जितने भी मेरे परमार बच्चे हैं याद रख लेना, परमार डायनेस्टी ने बनवाया था उदयपुर। अब आप बोलेंगे सर उदयपुर तो राजस्थान में आता है, नहीं बेटा एक उदयपुर अपने विदिशा में भी है, एक उदयपुर कहां है अपने विदिशा में भी है। और ये किसने बसाया था, ये किसने बसाया, ये बसाया उदया उदयादित्य ने। और ये उदयादित्य कौन थे? पोते थे, पोते किसके थे? राजा भोज के पोते थे भैया, ये राजा भोज के पोते थे, इन्होंने बनवाया था, उदयादित्य ने बनवाया था, उदयादित्य ने बनवाया था नीलकंठेश्वर मंदिर ठीक है। याद रखना 1010 से लेकर 1050 के बीच में उदयादित्य थे निर्माता ठीक है। तो ये याद रखना ना ठीक है। भवई लोक नाट्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता? भवई लोक नाट्य परफॉर्म बाय विच ऑफ द ट्राइब? भील, कोरकू, बेगा, पनिका। जल्दी बताइए भवई कौन करता है भैया? भवई वो जनजाति कहती है जिनको मैं कहता हूं वेरी 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 कलरफुल ट्राइब, बहुत ही रंगीली जनजाति है भैया। भाग कर शादी करना इनके उसमें शुभ माना जाता है, भाग कर शादी करना, पान खिलाकर शादी कर दी जाती है, टीका लगाकर शादी कर दी जाती है। इनका प्रमुख पर्व है भगोरिया, तो भ से भील, भ से भगोरिया और भ से भवई। तो देखिए कितनी बढ़िया बात हो गई, बी बी बी, भ से भवई, भ से भील, भ से भगोरिया और भ से भाग कर शादी करना। भाग कर शादी करने का रिवाज इन्हीं में है। तो भैया रंगीली जनजाति बोलता हूं, खुकार जनजाति भी है, भिलाला, बारेला, रांटिया, पाटलिया, ऐसे चार आते हैं इसमें, इसमें भी काले और गोरे होते हैं ठीक है। इस तरह से आपको याद, तो काले गोरे देवता इन्हीं के उसमें होते हैं, क्योंकि भीलों को भी काले और गोरे में बांटा गया है, तो काले गोरे देवता भी इसमें माने जाते हैं ठीक है। ये सब याद रखेंगे आप ठीक। और इनमें जो शादी होती है वो होती है गोल गदेड़ो, क्या होती है? गोल गदेड़ो, गोल गदेड़ो विवाह पद्धति आपको मालूम है, गोल गदेड़ो क्या है? विवाह पद्धति है, विवाह पद्धति है। ये जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं फालिया कहते हैं, क्या कहते हैं? फालिया ठीक है, फालिया। इनके छोटे छोटे घरों के जो छोटे छोटे जगह उनको फालिया कहते हैं ठीक है, ठीक है। हाँ
भगोरिया, गुलालिया और उजाड़िया। क्या बात है भैया, हमारे निमाड़ से कोई है, मैं तो सेंधवा का हूं तो मुझे मालूम है भैया। भगोरिया होता है, गुलालिया होता है, फिर उजाड़िया होता है। भगोरिया में भागकर, फिर गुलालिया में गुलाल होली, और उसके बाद जब सब समेटेंगे तो उजाड़िया। तीन संडे मनाया जाता है, मतलब इतवार को। ये फालिया ग्रुप को है ना बेटा, ध्यान रखना, ये फालिया ग्रुप को, और सिंगल घर होगा, मतलब एक लोता, अरे यार लिखा ही नहीं, एक लोता जो होगा, एक लोता जो है वो उसको कहेंगे कू। क्या कहेंगे उसको? कू, उसको कहेंगे कू। बेटा ये क्लास बहुत दमदार हुई है। कंघी शिल्प कला का आविष्कार किस जनजाति ने किया है? मैंने बोला इस क्लास में 250 से ऊपर पहुंचा दिए, मैं 6 दिन आ जाऊंगा, आपसे भी हेल्प चाहिए भैया। हमारे हमने आदित्य सर को वादा कराया कि सर इसमें हम पहुंचा देंगे 250 लाइव, ठीक है, तो इसमें आ जाइए भैया शनिवार को, कल ही शनिवार को ही आ जाइए 250-300। तो देखिए कंघी शिल्प, मैंने अभी बताया था, कंघी लगाकर पति पत्नी बनते हैं, कंघी से पार्टनर चुना जाता है, कौन सा आएगा जल्दी बताओ। बहुत भैया बहुत बढ़िया, ब्रॉड माइंडेड जनजातियां होती है हमारे वहां, ठीक है। बंजारा, ये आपको याद रखना है, बंजारा। कंघी के आविष्कारक कहते हैं कि कंघी का आविष्कार इन्होंने ही करा, बंजारा, ठीक है। मैंने आपको बताया था लहंगी नृत्य, ठीक है। बंजारा मूल कहां के, ये मूल कहां के, राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान के मूल कहां के, राजस्थान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावागिरी किस धर्म से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थान है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, या इनमें से कोई नहीं। पावागिरी पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं कि पावागिरी आता कहां है, पावागिरी कहां आता जरा बता दो तो भैया मुझे। धमाधम झमाझम घुमंतु जनजाति, चलिए बढ़िया, क्या जल्दी बताइए, मेरे ख्याल से आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। जैन धर्म जो कि जहां गिरी, मैंने तो बोला ये गोमट गिरी, हिंकार गिरी, अपने इंदौर में से समझ लो, जो इंदौरी मेरे को सुन रहे हैं अभी, गोमट गिरी भी घूमे थे, हिंकार गिरी, पावागिरी कहां मिलेगा आपको? खरगोन में। कहां आता है ये पावागिरी, कहां मिलेगा? खरगोन में। जैन धर्म से रिलेटेड है, नहीं मालूम होगा, किसने बताया अवधेश ने, बिल्कुल सही, पावागिरी। फिर एक आता है मुक्तागिरी, ये भी याद रख लेना बेटा, मुक्तागिरी आपको मिलेगा बैतूल में, कहां मिलेगा? बैतूल। फिर मोहन खेड़ा ये मेरे उधर है, मोहन खेड़ा, ये मिलेगा जिला धार, मोहन खेड़ा कहां मिलेगा? जिला धार। बावन गजा, ठीक है, 52 गज की आदिनाथ जी की मूर्ति है, बड़वानी कहाँ मिलेगा? बड़वानी आपको याद रखना है। फिर कुंडलपुर आपको याद रखना है कि कुंडलपुर आपको कहाँ मिलेगा? दमोह, ये सब जैन तीर्थ स्थान है। फिर पुष्यगिरी आपको अगर पूछा जाए पुष्यगिरी, तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा देवास, कहाँ मिलेगा? देवास। और अगर पूछे हिंकार गिरी, ये आपसे पूछा गया है, गोमट गिरी, अरे आ जाओ, गोमट गिरी, हिंकार गिरी, गोमट गिरी, ये दोनों कहां मिलेंगे? इंदौर। तो ये सब आपको याद रखना है, ये पूरे मैंने क्या लिख दिया आपको, फेमस जैन धर्म तीर्थ स्थान, कर लो नोट। द्रोणागिरी छतरपुर, हाँ वो छूट गया, वो भी लिख देता हूं भैया, द्रोणागिरी छतरपुर, द्रोणागिरी छतरपुर, वेरी गुड, गोमटगिरी इंदौर, हो गया भैया। मजेदार सेशन लगा होगा आपको। भरहूत के स्तूप किस जिले में है? रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर। भरहूत के स्तूप किस जिले में आते हैं? रीवा, सतना, पन्ना या छतरपुर? चलिए ये आएंगे बेटा सतना में भागभद्र के द्वारा बनवाए गए।
निर्मित होते हैं और ये कहाँ मिलेंगे, सतना जिले में, सतना जिले में, ठीक है। और ये कौन है, शुंग वंश के राजा, शुंग वंश के राजा, ठीक है। बरहूत के स्तूप सतना जिले में, ये याद रखेंगे, सतना जिला, सतना, सतना जिला याद रखेंगे, सतना जिले में है। मैयर वाली माता माँ शारदा देवी सतना जिले में है। चित्रकूट, सतना जिले में चित्रकूट के किनारे आपको तुलसी घाट, राम घाट, तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे राम जी ने, ठीक है। और मैं आपको बोलता भी हूँ, आप बोलते हो सर उल्टा बोल देते हो, कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भी चंदन घिसे तुलसीदास जी, तिलक करे रघुवीर, ठीक है। शुंग वंश के राजा, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत टूट गया है मगर स्टिल बनवाया किसने था जरूर पूछा जाता है। मैयर वाली माता मिलेगी, अलाउद्दीन खां संगीत पीठ मिलेगा, आला उदल की जो बहादुरी के गीत हैं आला खंड जगनिक के द्वारा लिखे गए, तो वो भी आपको वहीं सुनने को मिलेंगे। सतना जिला अपने आप में बहुत सारी सौंदर्यकरण को बटोरे हुए है, ठीक है। तो सतना जिला, तो आज इतना ही दोस्तों, समय हो चुका है जाने का, आशा करता हूँ कल बहुत बेसब्री से इंतजार होगा क्लास नंबर 4, ये तीसरी क्लास थी, तो कल मिलते हैं चौथी क्लास में। 100 क्लास 75 टॉपिक 10 यूनिट एमपीपीएससी प्री का करेंगे बिल्कुल खात्मा, और जो भी हमारी क्लास अटेंड करेगा उसका सिलेक्शन देखिए पक्का समझिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए इसी आशा से, जो मैंने होमवर्क बोला है आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, अच्छे से डिटेल से बताइए, प्यारा सा कमेंट जरूर करें कैसी लगी क्लास, आपको कैसा लगा पढ़कर तरीका कैसा लगा, और ये भी बताइए कितना नया सीखा आज एमपी में। जय हिंद, जय भारत।